टीकाकरण गलगोटू, किसान सीलावंती बाई अशोक, गांव रेलियापुरा। सुविधा के यहाँ कोई है कि नहीं यार, डोर तो बंद गया है, देखा चले। अशोक भैया, अशोक भैया है कि नहीं? आओ घर छे। राम राम भैया। राम राम। राम राम। और क्या हालचाल? बढ़िया, ठीक ठाक। अभी हम बखर छोड़ के आए हो? हाँ। अच्छा, खेती बाड़ी सुधारी रहा? खेती बाड़ी सुधारी, बोनी होनी की तैयारी? हाँ, बोनी होनी की तैयारी। चलो वाह यार, कैसा आनु हुई हो राजू भैया तुम्हारो आज धूप में? यार अभी वो टीकाकरण को चली रो कार्य, अपना गलघोटू जो बीमारी है, गला में जो सूजन है जाए, वो 1 महीना बाद आना वाली है। ठीक है कि यह बीमारी में 1 से 2 दिन का भीतर जानवर मरी जाए और किसान का समझना को भी मौको नहीं मिले। एक ही शुरुआत जानवर का तेज बुखार आनू, जिससे को शरीर पूरा हपने लगी जाए, धीरे धीरे फिर होगा गला में सूजन आए, सूजन आना से कही है कि जो सांस नलिका हो वह दबने लगी जाए, फिर धीरे धीरे जानवर जब सांस ले तो घरड़ घरड़ की एकदम आवाज़ आए, समझ ही नहीं पाए किसान की कही हुई रो, और मुंह से राल या श्राव निकलना शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति में बिल्कुल लोगों को खाना पीना बंद हो जाए, है ना। तो ओकी रोकथाम का लिए हम ये टीको लगे रहा जो 1 महीना पहले लगा बीमारी का, और यह बीमारी अक्सर बारिश में आए और खास कर इन गाय भैंस में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिले। राजीव भाई, कभी यह बीमारी आएगी तो क्या करना चाहिए? अशोक भैया, यह अगर बीमारी आएगी तो सबसे पहले तो हमको यो करना है कि वो जो जानवर बीमार है वो जानवर का हमको एक साइड एक तरफ बांधना है, अच्छा जानवर ने से बिल्कुल अलग। क्यों बांधना है? अगर मान लो हमने चारों डालिया और वो चारा का अच्छा जानवर ने भी खायो और न बीमार जानवर ने भी खायो, तो वो अच्छा जानवर का भी बीमारी होएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हमने पानी पिलाया एक जगह और वही पानी हमने बीमार जानवर का पिलाया और अच्छा का पिलाया, तो ना पानी के माध्यम से वो बीमारी होना अच्छा जानवर को घुस जाएगा, है नहीं? वो का अलग बांधना का अलावा वो इलाज करवाना का दौरान अगर वो की मौत हुई जाए जानवर की, तो वो कहीं दूर ले जाने गाड़ देना है, ताकि गाड़ना का बात कही है कि जो का कीटाणु शरीर के अंदर है वे बाहर नहीं निकल पाएगा। वो का अगर तुम खुली जगह आप जाने फेंक देगा तो जो जीवाणु होने हैं सब शरीर का द्वार होने से निकली बाहर आएगा और वे हवा के माध्यम से किसी स्वस्थ पशु या अच्छा जानवर का वह बीमारी से ग्रस्त कर देगा, है ना। तो उसका गड़वाणु ही सबसे बढ़िया तरीको है, है ना। और ये सब चीज़ से बचना के लिए हमको एक ही काम करना है कि थोड़ी सी समझदारी करना है और एक टीको लगवाना है जो मात्र 2 रुपया में लगी रहो। कितना का जानवर है अपने पास? एक बड़ी भैंस, एक दो पाड़ा फाड़ी, 3, 2 गाय और 1 केड़ो, 1 केड़ी, 7। तो इनमें गाभिन अभिन तो नहीं? गाभिन से एक बड़ी भैंस। भैंस से गाभिन? तो यार वो गाभिन भैंस का तो नहीं लगेगा, और 1 साल से छोटा बछड़ा बछड़ी है? हाँ है नहीं, उनका भी नहीं लगेगा। तो इनका छोड़िए ना, बताओ कितना ढोर है? 7 में से एक गाभिन भैंस और बछड़ा बछड़ी 1-2 है। हाँ। तो 4-5 ढोर है। हाँ। चलो शुरुआत करा, है ना। हाँ, ठीक है। रस्से सिलाओ, इनका बांधना पड़ेगा। अच्छा, ये गाय उनमें से कोई गाभिन अभिन गाय तो नहीं? नहीं है, गाय नहीं, ये भैंस है। भैंस है सिर्फ? हाँ। चलो, और दूध दे रही गाय हूँ? हाँ, एक वो दे रही। वो वाली? हाँ। जो अपना गलगोटू को टीको है जो 5 ml लगा एक जानवर का। हाँ। और यो हमेशा मतलब चमड़ी और मांस के बीच में लगना चाहिए। हाँ। है नहीं? हाँ। क्योंकि अगर ये मांस में लगा तो ये जो दवा है ये काम नहीं करती, है ना। तो जहाँ तक हो सके संभव चमड़ी में लगना चाहिए। एक अच्छा से मसलो, और यह जो आवाज़ आए चरचर की। हाँ। है नहीं? हाँ। क्योंकि वो टीको मांस और चमड़ी में लगा। हाँ। तो यह दवा एकदम से फैली नहीं पाती। हाँ। तो धीरे धीरे करीने का फैलाने में अपना का। हाँ।
जा। अशोक भैया अपना का टीका लगाते टाइम ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसो एक तो 5 से 6 महीना से ऊपर गाभिन जानवर नहीं होना चाहिए, है बीमार जानवर नहीं होना चाहिए, और 1 साल से छोटो बछड़ो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि ये टीको जब भी लगाए वो समय सुबह या शाम को ठंडो टाइम होना चाहिए, और यह जो दवा है 5 ml लगना चाहिए जो कि चमड़ी और मांस के बीच में लगना चाहिए, और यानी दवा का असर 1 साल पूरा रहेगा, और यह दवा हमेशा सुबह या शाम के वक्त ही लगना चाहिए, ठीक है। और यह टीको ऐसा टाइम पर लगना चाहिए जैसे अपना के लगे कि बीमारी 1 महीना बाद आना वाली है, तो एक रोकथाम के लिए अपना के 1 महीना पहले ही यो टीको लगाना चाहिए। तो खास कर यो समय को ध्यान रखना है अपना के, ताकि ये जो दवा है एको जो पूरा असर जो शरीर में है वो पूरा असर करना में ही कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। तो विशेष ध्यान रखना है अपना का कि जो टीको लगाना है अपना के बीमारी का आना से 1 महीना पहले ही लगवाना चाहिए। टीका लगाना से बहुत सारा लाभ है, जैसो सबसे बड़ा यह है कि हम बहुत बड़ा नुकसान से बच सकता है। यह बीमारी मान लो अगर आएगी भैंस का आएगी, मान लो तुम्हारे यहाँ भैंस का आएगी, अगर वह भैंस वह बीमारी से हम जानवर का नहीं बचे पाया, ठीक है, तो अगर वह मरेगी तो कितना बड़ा नुकसान हुआ तुम्हारो, है ना, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे दुधारू पशु है अगर वह आएगी और इलाज भी कर रहा है हम, तो उसका दूध उत्पादन में सबसे बड़ा असर पड़ेगा, तो एक तो हमारा पैसों के पैसों जे रहो और जो आमदनी हमको मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिली पा रही। जैसे मान लो समय पर अगर लग गए तो हम यानी बीमारी से बचे पाएंगा, और दूसरी चीज़ यह है कि एक आप होना वाला जो खर्चो है उससे हम अपना आपको बचे लेंगे, और हमारा जो नुकसान है वो कभी हम बचे लेंगे। अगर नहीं लगे पाएंगा तो नुकसान हमारा 100% होना ही हैगा। तो आना के बाद तो पता नहीं कि इलाज करने के बाद भी बीमारी से जानवर बची पाएगा कि नहीं बची पाएगा, बच्ची को तो भी बीमारी को पैसों तो लगेगा ही लगेगा, और अगर नहीं बची हो तो बहुत बड़ा नुकसान की ओर हम जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यही सोच होनी चाहिए कि हर जो साल का पहले या मतलब बारिश का पहले जो टीकाकरण चला वो में हमको ये टीको अवश्य और ज़रूरी से लगवाना ही चाहिए, क्योंकि एक काम बहुत सारा लाभ हमसे जुड़े आए। हम किसान लोग हैं, ज़्यादा कुछ हमको जानकारी है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जाना है कि हमको बीमारी का अगर रोकथाम करना है तो टीको लगाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। बहुत तरह तरह की बीमारी चल रही है, जैसे तरह तरह को उनको टीको भी लगा। तो जैसे अभी मैं गलघोटू की बात कर रहा हूँ, तो गलघोटू में सबसे बड़ी बात यह है कि यह आना के बाद जानवर कई 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाते। हमारा पास हर वक्त पैसों रहते नहीं कि हम समय पर इलाज करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए समय पर यही सबसे बड़ी समझदारी है कि यह बीमारी सबको पता है हमेशा कि यह बारिश में आए, जेठ का शुरुआत में हम अगर ये टीको लगवा ले तो यह बीमारी से हम बहुत बड़ा नुकसान से बच सकता है। जिस तरीके से अशोक भैया ने गलघोटू बीमारी को टीको लगवाया, इसी तरीका से सभी किसान हो या गलघोटू बीमारी को टीको लगवा ले, तो बीमारी से होने वाला जो खर्चो है नुकसान है उससे अपना आपका बचे ले बचे सकता है। और हमारी यह राय है कि ये टीको लगभग सभी का ही लगवाना चाहिए, और एक बड़ा नुकसान से बचे सकता है अपना आपका। ठीक है अशोक भैया, चला यार बैठो। नहीं यार, अब और आगे भी लगाना है, ठीक है नहीं। राम राम यार। राम राम आरवाज। बहुत बहुत धन्यवाद यार तुमने जो टीको लगवाया। देखो टीका को थोड़ा सा ध्यान रख जो, अगर सूजन वूजन नहीं जाए तो ठंडा पानी से थोड़ा सा सिकाई कर दीजो, है नहीं। चला भाभी, चला है नहीं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। गलघोटू की बीमारी बारिश का मौसम में आवे ओकती गलघोटू को टीको बारिश थी 1 महीनो पहले लगाड़ लेनो चाहिए। टीको हमेशा ठंडा मौसम में लगानो चाहिए, सुबह या शांति घड़ी लगानो चाहिए। जो जानवर 5 महीना से गाभण छे ओकर टीको नहीं लगानो चाहिए, और जेकी उम्र 1 साल से कम है ओकर भी टीको नहीं लगानो चाहिए। टीको लगाने का बाद अगर उन्हें जगह पर सूजन हो जाए तो घबराए नहीं, और ठंडा पानी तो की सिकाई कर दें।